अकेला करता हुआ वाड़ा कर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब हैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज तारीख है 8 नवंबर 2024 और दिन है आज जमातुल मुबारक का। तो अभी टाइम हुआ है सुबह के 11:30 और मैं मौजूद हूँ जिलाबाद जंक्शन पे। सामने जो आप सिग्नल डाउन देख रहे हैं ये है 8 डाउन तेजगाम एक्सप्रेस के लिए, जो कि जिलाबाद जंक्शन पर कुछ देर में अप्रोच करेगी। आज की वीडियो में हम दो ट्रेन को कैप्चर करेंगे, एक 39 अप जाफर एक्सप्रेस और एक 8 डाउन तेजगाम एक्सप्रेस को कैप्चर करेंगे। सिग्नल डाउन हो चुका है 8 डाउन के लिए, तो वो कुछ ही देर में अप्रोच करेगी जिलाबाद जंक्शन पे। तो दोस्तों आज की वीडियो कुछ स्पेशल भी होने वाली है, क्योंकि मेरे 15,000 सब्सक्राइबर्स मुकम्मल होने वाले हैं। तकरीबन 100 से 200 सब्सक्राइबर्स का ही फासला है 15,000 से, तो उम्मीद है वो भी बहुत जल्द पूरे हो जाएंगे। तो दोस्तों मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मेरा साथ यहाँ तक देने का, 15,000 सब्सक्राइबर्स का, और आगे भी आपसे यही उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करते रहेंगे। अभी फ़िलहाल अप्रोच कर रही है 8 डाउन तेजगाम एक्सप्रेस, ये है अप साइड यानी टूवर्ड्स लाला मूसा गुजरहान रावलपिंडी पिशावर वाली साइड, और ये मैं मौजूद हूँ अभी नाला पलहू के ऊपर बने हुए ब्रिज पर, जो कि नाला पलहू के ऊपर बना हुआ है ब्रिज, उस पर मैं मौजूद हूँ। 39 अप को बीच से कैप्चर करेंगे जबकि 8 डाउन को यहाँ से कैप्चर करेंगे। तो दोस्तों ये अप्रोच कर रही है 8 डाउन तेजगाम एक्सप्रेस, जो कि रावलपिंडी और कराची के दरमियान चलती है, दी क्वीन ऑफ रावलपिंडी 8 डाउन तेजगाम एक्सप्रेस, जिसके लीड पर GEU-20 लोकोमोटिव लगा हुआ है। नंबर देखते हैं जब लोकोमोटिव करीब आता है तो। नंबर है 4551। तो दोस्तों ये आई है 8 डाउन तेजगाम एक्सप्रेस, अभी बारी है 39 अप जाफर एक्सप्रेस की, उसको कैप्चर करते हैं ब्रिज से जाकर, और वो डाउन साइड से जाकर कैप्चर करते हैं 39 अप को। तो दोस्तों 8 डाउन तेजगाम एक्सप्रेस के बाद अब आपको दिखाते हैं 39 अप जाफर एक्सप्रेस, जो कि जिलाबाद जंक्शन पर कुछ ही देर में अप्रोच करने वाली है। उसके लिए होम सिग्नल डाउन हो चुका है जिलाबाद जंक्शन का। आज ZCU-20 का तकरीबन 2 से 3 माह बाद दीदार करेंगे। 39 अप जाफर एक्सप्रेस दोबारा से बहाल हुई है तकरीबन 45 दिन बंद रहने के बाद। तो दोस्तों एक ZCU-20 लोकोमोटिव शेड के बाहर भी खड़ा है, और ये कल रात को आया था शाहीन पैसेंजर के साथ एज ए 9 अप अलामा इकबाल एक्सप्रेस के साथ, और ये कल सुबह फिर जाएगा शाहीन पैसेंजर के साथ, और सियालकोट से ये फिर बन जाएगी 10 डाउन अलामा इकबाल एक्सप्रेस। एक ZCU-20 39 अप के साथ आ रहा है, और एक ZCU-20 ये खड़ा है शेड के बाहर। अकेला ZCU-26403 जंक्शन के यार्ड में वाड़ा गर्दी करते हुए, ये लोकोमोटिव कल रात को आया था शाहीन पैसेंजर के साथ, लगता है इसको किसी और जगह पर मुंतकिल किया जा रहा है, हो सकता है इसका फेस चेंज करें यानी टर्न टेबल पर ये जाए।
अकेला करता हुआ वाड़ागर्दी इंजर्ड, सॉरी वाड़ागर्दी करता हुआ अकेला इंजर्ड। लगता है यह किसी स्पेयर के तौर पर जा रहा है किसी ट्रेन को लीड करने के लिए। यह 39 आपके इंतज़ार में ही खड़ा था और ये मुंतकिल हो चुका है ML1 पर, यानी मेन लाइन पर। तो दोस्तों ये अप्रोच कर रही है हैदराबाद जंक्शन पर कोयटा और पिशावर के दरमियान चलने वाली 39 अप जफर एक्सप्रेस, जिसकी लीड पर ZCU-20 लोकोमोटिव लगा हुआ है। और ZCU-20 का दीदार बहुत देर बाद हुआ है। नंबर देखते हैं कौन सा है। विसल से लग रहा है कि इसके लीड पर 6429 होगा, लेकिन जब करीब आता है तो फिर ही पता लगेगा क्या नंबर है। ये कोयटा से कल सुबह 9 बजे की रवाना हुई है और हैदराबाद जंक्शन पर अप्रोच बना रही है अगले दिन 1:45 तकरीबन। ये 2.25 घंटे लेट है। लोकोमोटिव नंबर है 6407 ZCU-20-6407। बाकी ट्रेन को तो GEU-20 या PHA-20 से ही लीड करता है, लेकिन जाफर एक्सप्रेस को ZCU-20 लोकोमोटिव से ही लीड करते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस यही दो ट्रेन थी, 81 तेजगाम एक्सप्रेस और 39 अप जाफर एक्सप्रेस। मिलते हैं किसी नई वीडियो नए एक्शन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना भी ख्याल रखें और अपनों का भी। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।